हेलो फ्रेंड, ये सैमसंग Z1 मोबाइल है। तो अभी इस तरफ देख सकते हैं सैमसंग Z1 मोबाइल है। तो इसका आज हम डेवलपर ऑप्शन एनेबल करेंगे। इसका डेवलपर ऑप्शन कहाँ रहता है, तो हमको हर फोन में सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद अबाउट फोन में ओके करते हैं अबाउट फोन को। तो अबाउट फोन को ओके करने के बाद हमको यहाँ पे बिल्डन नंबर बोल के दिख जाता है, लेकिन इस मोबाइल में नहीं दिया है इस पर। तो इसका डेवलपर ऑप्शन कैसे एनेबल करना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ से हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हम डायलर में जाते हैं। यहाँ पे डायल पैड में जाते हैं। डायल पैड में जाने के बाद हमको *8*4, तो आपको यहाँ पे डायल पैड में आना है। आने के बाद आपको 8*4*9*3*6 ये कोड आपको डायल करना है। आपको ये कोड जब डायल करेंगे, डायल करने के बाद आपको हैज दबा देना है। अब हैज दबाने से आपका जो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाता है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद बैक कर देते हैं फोन को। बैक करने के बाद फिर से हम सेटिंग में जाते हैं। फिर से हम सेटिंग में जाने के बाद हमको जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, या नीचे हमको डेवलपर ऑप्शन शो होगा, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी डिकोडिंग जो है, इसको यहाँ से हम टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने के बाद हमको यहाँ पे इसको हमको 9 कर देना है, ये 9 पे रखना है। अब 9 पे रखने के बाद हमको बैक कर देते हैं। तो आपके पास अगर है तो आप इस तरफ डेवलपर ऑप्शन इसका एनेबल कर सकते हैं। सैमसंग Z1 मोबाइल है।